So hello guys, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग। और गाइज स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का। और गाइज मैं आया हूँ दो आइलैंड पे एक मिशन पे। मिशन ये है कि एक खतरनाक सी मछली जो है ना गाइज, वो समंदर में एक जो है ना साइंटिस्ट, बावड़ा सा साइंटिस्ट यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था कुछ मछलियों के ऊपर। और उसमें से एक मछली जो है ना गाइज यहाँ पे हो गई है काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड और खुकार। और वो मछली जो साइंटिस्ट गाइज जिस लैब में परीक्षण कर रहा था, मतलब भाई वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वहाँ से बाकी समंदर में खुले आम घूम रही है। और मेरा जो मिशन है ना गाइज, वो मिशन ये है कि आज मुझे उस मछली को ढूंढ के पकड़ के किसी भी कीमत पे उस साइंटिस्ट के पास वापस से लेके जाना है। वरना जो भी वाइल्ड क्रीचर गाइज यहाँ पे समंदर में पाए जाते हैं, उन सारे क्रीचर की बैड वो मछली बचा देगी। सो आज का जो हमारा मिशन है गाइज आर्क का, वो यहाँ पे हम लोग भाई शुरू करें। उससे पहले यार जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से गाइज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना कि सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गाइस आपको गेमिंग विद एनी और हमारे व्लॉगिंग चैनल का। सो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है गाइस वो अनलॉक है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में जो थैंक्स का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने, तो नीचे निट्राडो का लिंक है जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो। तो जरूर चेकआउट कर लेना निट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो गाइज वो जो साइंटिस्ट था ना गाइज, उस साइंटिस्ट में मछलियों पे जो ना गाइज एक्सपेरिमेंट करके उनको बहुत ज़्यादा वाइल्ड और बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला बना दिया है। सो उसको पकड़ना जो ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और गाइज जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना गाइज, वो जिन भी मछलियों पे उनके अंदर एक ट्रैकर डाला हुआ है। सो मैं बड़े आराम से जो एक मछली गाइज यहाँ पे भाग गई है उसके चंगुल से, उसके लैब से, उसको ट्रैक कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं ट्रैकर जो ना गाइज वो फटाक से ऑन कर लेता हूँ। मुझे बस यहाँ पे उस का गाइज नाम जो है ना मछली का, वो था प्रोजेक्ट 35 नाम था गाइज, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ये भी भाई ऑन करने दो, प्रोजेक्ट 35। एक मिनट रुक जाओ, उसका नाम गाइज क्या था, वेट अ मिनट, मुझे देखने दो। मैं नाम जो है ना गाइज उसका यहाँ पे भूल चुका हूँ। उसका नाम जो है ना गाइज वो यहाँ पे प्रोजेक्ट 35 था, फिर आ क्यों नहीं रही। रुको मैं वापस से गाइज यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। कोई भाई ग्लिच भी हो गया है क्या ट्रैकर भाई? हेलो हेलो सर, भाई क्या हो गया? रुक जाओ गाइज, मुझे रिफ्रेश करने दो, एक बार रिफ्रेश करने तो उसके बाद शायद से। रुको वापस से रिफ्रेश कर लेता हूँ। गाइज वो मछली काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट निकल गई है लग रहा है। उसने ट्रैकर जो ना कि जो अपने बॉडी से निकाल दिया है, क्योंकि मैं उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा। लेकिन गाइज लास्ट लोकेशन जो है ना गाइज, वो मुझे यहाँ पे बताई गई है कि वो 34 जो है ना गाइज, जो कि गाइज यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, इस तरफ पानी में कहीं पे देखी गई थी। और उसको जो है ना गाइज यहाँ पे बेहोश करने के लिए मेरे पास एक पावरफुल सी क्रॉस बो भी है। तो चले गाइज बिना किसी देरी के, रुको पहले तो मुझे राफ्ट बनानी पड़ेगी भाई। ट्रैकर ना उस मछली ने भाई बहुत ही ज़्यादा जो है ना गाइज यहाँ पे होशियारी से निकाल दिया गया है। मुझे राफ्ट बनाने के लिए थोड़ा सा हाइट जो है ना गाइज वो चाहिए होगा। चलो गाइज इस पैरासोरस को जो है ना भगवान के पास पहुँचा देते। पैरासोरस तुम्हारी आत्मा को और आपके सैक्रिफाइस को पूरी जिंदगी भर हम लोग याद रखेंगे। चलो हाइट दे दो चुपचाप। चलो गाइज अभी फटाफट से राफ्ट बना लेते हम लोग और चलते गाइज उस खतरनाक से मछली को यहाँ पे पकड़ने के लिए, जिसका नाम जो है गाइज वो था भाई प्रोजेक्ट 35। राफ्ट बनाने के लिए मुझे फाइबर चाहिए होगा थोड़ा सा। रुको मैं यहाँ से फाइबर इकट्ठा कर लेता हूँ, ठीक है। ये लो फाइबर भी आ चुका है हमारे पास। अभी फटाफट से गाइज हम लोग राफ्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। राफ्ट गाइज अल्लू अल्लू करके बन रही है। और मुझे एक स्पाई ग्लास भी दी गई है, उसकी मदद से कुछ दिख रहा है क्या? डॉल्फिन्स, कछुए और कुछ तो समंदर में दूर दूर तक गाइज दिखाई नहीं दे रहा है भाई, ठीक है, डॉल्फिन्स एंड कछुओं के अलावा। चलो कोई ना, लेकिन इसी डायरेक्शन में कहीं पर जो ना गाइज हम लोग को मिलने वाली वो खतरनाक एंड ओपीसी जो ना गाइज फिश, ठीक है। मैंने राफ्ट यहाँ पर निकाल दी है और स्पाई ग्लास की मदद से मुझे जो ना गाइस देखते रहना। 34 लास्ट लोकेशन थी जहाँ पे उसको देखा गया था। मैं 80 पे तो पहुँच गया हूँ, 34 कहाँ पे, इस डायरेक्शन में क्या? हाँ इस डायरेक्शन में भाई 34 भाई। एक मिनट रुक जाओ, अरे ये तो रही सामने गाइस, ये रही वो बड़ी सी प्रोजेक्ट 35 मछली भाई। मेरे को देख के भाग रही है, भेज क्या कहाँ पे भागेगी तू, कहाँ भागेगी भेज क्या?
भाई मेरे को देख के भाग रही है गाइज, रुको रुको रुको, देखो 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 भाग रही है, देखो भाग रही है, भाग रही है भाई तेरे को, भाई मैं जाने नहीं दूंगा, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा भाई, मार मार जल्दी मार जल्दी मार जल्दी मार, आ मार भी नहीं कर रहा, अरे भाई मार मार भाई, उड़ी बाबा मार मार भी हीलिंग पोशन, हीलिंग पोशन भी भाई, हीलिंग मार लगा क्या, मरते मरते बचाओ भाई, मरते मरते बचाओ भाई, अरे बाबा अरे बाबा, मैंने बेहोश कर दिया, रुको ब्लीडिंग खत्म होने दो, हाँ भाई साहब इसको बेहोश तो कर लिया है, अभी इसको टेम भी करना पड़ेगा मुझे, इसको टेम करने के लिए मुझे इसके अंदर मीट डालना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास थोड़ा मीट पड़ा हुआ है, रुको हाँ बाल बाल, मरते मरते बचाओ भाई, ठीक है चलो आ जाओ भाई, सीधा हमला कर दिया यार मेरे ऊपर, सीधा हमला बोल दिया गाइज, मेरे राफ्ट टूटते टूटते बची है, मेरे हेल्थ तो देखिए गाइज, भाई लकीली मेरे पास भाई हीलिंग पोशन थे, वरना मैं मर जाता यार, ओके भाई ओके टाइम, ये रुको अभी गाइज मैंने इसको अपने काबू में तो कर लिया है, टीम तो कर लिया है, इसका सैडल भी जो ना गाइज वो भी मुझे साइंटिस्ट ने दिया था, ताकि मैं साइंटिस्ट के पास जो ना गाइज इस मछली को लेके जा सकूं, बट गाइज इस मछली को साइंटिस्ट के पास लेके जाने से पहले मैं खुद जो ना गाइज इसको यहाँ पे चलाना चाहूँगा, अरे यार ये ओवर वेट हो रही है ना थोड़ी सी, भाई आजा फॉलो कर ले यार मेरे को, दूध तो मेरे को फॉलो कर ले मछली, आजा चल आजा आजा भाई, क्या लग रही है ना यार ये मछली, खतरनाक गाइज ये देखो तो यार कितनी बड़ी मछली है भाई, तो ये क्या है इसके पंख पिंक विंग्स विंग्स है क्या, लग तो वैसे ही रहे, ये थोड़ी लेवल अप कराएगी अपनी भाई, जाना थोड़ी मेगलाडॉन से बिड़ा रहा हूँ, मार दिया मेगलाडॉन को, अबे न्यूब मेगलाडॉन्स भाई क्या मार रही है ये मेगलाडॉन्स को, ले बेटा भाई, इसलिए तो गाइस साइंटिस्ट ने मुझे भेजा था, देख रहे हो कितनी खतरनाक है, मेगलाडॉन्स को ऐसे भाई मक्खन की तरह काट दे रही है, काट मक्खन की तरह काट दे रही है भाई, काट दे काट दे काट दे, भैंस के पिछवाड़े पे बैठ, हाँ पिछवाड़े पे बैठ, ले बेटा बेटी बेटे मजे ही मजे, गाइस इसके अभी लेवल पा चुकी होगी, और इसका वेट जो ना गाइस वो बढ़ा के मैं इसके ऊपर डायरेक्टली बैठ सकता हूँ, रुको ठीक है, इसका वेट जो ना गाइस वो काफी ज्यादा था, अरे यार गाइस यहाँ पे वेट भाई जल्दी जल्दी जो ना गाइस इसका बढ़ नहीं रहा, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं गाइस, ठीक है रुको वेट अ मिनट, अभी बढ़ेगा इसका वेट, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चलो गाइस फटाफट से अभी इसके वेट में पॉइंट डाल देते हैं, अभी जो ना गाइस इसका वेट बढ़ेगा भाई, ठीक है चलो आ जाओ, मैं इसका थोड़ा स्टैमिना भी बढ़ा देता हूँ, हेल्थ तो भाई मैंने देख ली, और इसका डैमेज भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला है गाइस, ठीक है चलो आ जाओ अभी ना साइंटिस्ट को ये मछली, उई ये क्या बाप रे सुपरमैन बन गया क्या, ये ऐसा कैसे बैठ रहा, ये क्या राइडिंग स्टाइल है भाई, अरे बाबा रे बाबा तेरा भाई तू सुपरमैन बन गया गाइस, देखो तो यार कैसे बैठा हूँ मैं इसकी मछली के ऊपर, ओ भाई यार ये मछली काफी कूल है भाई, तेरा अटैक कौन से बाइट वाला अटैक है इसके पास, और क्या कर सकते है भाई तू, अरे बाप रे ये क्या रिंगा रिंगा रोजेस, वो गोल गोल घूम के स्टन करने वाला अटैक लग रहा है ब्रांडिक्स की तरह, और कुछ कर सकती है क्या, पता नहीं यार पता नहीं भाई पता नहीं, चल ओ ओ भाई ये भाई मछली उड़ सकती है गाइस, ये क्या है मेगलाडॉन, क्या मेगलाडॉन की बेटी बना भाई, मेगलाडॉन की बेटी बना, मेगलाडॉन हमारी दुश्मन है, चल आ जा भाई एक मिनट रुक जाओ पहाड़ी के भाई अंदर से हिस्सा भाई, हाँ जंप मार, ओ भाई साहब ओ व्हाट ग्लाइड कर रही है मछली भाई, मछली के लिए एक लाइक तो बनता ही, देखना आई बिलीव आई कैन फ्लाई, ये आई बिलीव आई कैन फ्लाई भाई, ये तो वो मछलियाँ हैं जो समंदर में पाई जाती है गाइज, जो कि भाई अपने शिकार से बचने के लिए भागती रहती है, मतलब अगर शिकार कोई नज़दीक आता है ना तो ऐसे जंप करके शिकार से काफ़ी ज़्यादा दूर उड़ उड़ के चली जाती है, फ्लाइंग फिश गाइज, ठीक है ये वही फ्लाइंग फिश है, लेकिन इसका साइज इतना बड़ा है कि इसके ऊपर एक इंसान डायरेक्टली बैठ सकता है, और आप देख ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है भाई, अच्छा ये सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे भाई साइंटिस्ट लोग क्या हमारे, हाँ मेरी चियाड मजा आ गया यार, कब इसको जमीन पे लेके जाऊँ, जमीन पे लेके गया और वापस से घर में पानी में इसको लेके नहीं आ पाया, सो गाइस ये मछली मर सकती है, ठीक है मर सकती है, देखता हूँ चलो मैं कोशिश करता हूँ गाइस, मैं कोशिश करता हूँ इसको जमीन पे लेके जाने की, साइंटिस्ट फिर मेरे को जो ना गाइस बहुत गंदा मारेगा गाइस, ठीक है भाई मैं लैंड करा देता हूँ इसको, 100-150 ज़्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे बाबा, लैंड करा दे भाई साहब, करा दिया लैंड, करा तो दिया, अरे ओ शिट इसको डैमेज पड़ रहा है भाई, इसको डैमेज पड़ रहा है, हीलिंग पोशन पिलाने पड़ेंगे इसको, आ लेके जा रहा हूँ मर रही है गाइस, ये किसका भाई आइडिया था भाई, भाई मेरा ही तो आइडिया था, और किसका आइडिया था, हाँ जा रहा हूँ पानी, ये रहा अच्छा वो ज़्यादा दूर नहीं लेके गया,
वरना इसके आज तो भाई यहाँ पे पैंट ही बच जाती, स्वर्ग सिधार करती है बेचारी मछली। हाँ पूछ गई पानी में, हाँ पूछ गई ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट, हाँ लेट्स गो, जान में जान आई भाई, मरते मरते बची है गाइस ये मछली। यार ये मछली काफी खतरनाक है, इसके ऊपर भाई बैठने का जो स्टाइल है ना भाई खतरनाक लगा मेरे को, ठीक है खतरनाक लगा। जरा इसके अटैक्स भी दिखे जाए, सी वाला कुछ अच्छा कुछ अटैक था ना ये वाला, इसका डैमेज कितना जा रहा है। मेगलाडॉन्स तुम तो मेरे लिए भाई खाना हो खाना, ये ले बेटा 500 डैमेज, वो स्टन कर रही है क्या ये, ओ ये तो स्टन कर रही है, देखो हो गया स्टन, देखो स्टन हो गया भाई, ये देखो ये स्टन, अच्छा ये तो मर गई, ये स्टन हो गई थी, ये देखना क्रिप्टल क्रिप्ट कुछ तो ऐसे लिखा रहा है, मतलब स्टन ही हो रही है गाइस एक तरीके से ये भाई। इसके पास अनलिमिटेड ऑक्सीजन है, मेरे पास नहीं है, रुको सांस लेने के लिए मुझे बाहर आने दो गाइस। काफी खतरनाक वाली गाइस यहाँ पे मछली ना हम लोग ने गाइस यहाँ पे आज पकड़ लिया। गाइस इस मछली के लिए एक लाइक तो बनता है भाई, ये जो भाई इसकी उड़ने वाली एबिलिटी है ना इसके लिए एक लाइक तो बनता है फटाफट से, अगर आपने नहीं करा होगा तो कर देना गाइस। मैं इसकी मदद से ग्लाइड करके जमीन पे भी जा सकता हूँ, बट अफसोस जमीन के ऊपर इस मछली को डैमेज बढ़ जाता है काफी ज्यादा गंदा वाला, और इसकी स्पीड पानी के अंदर भी काफी ज्यादा तेज है। इसके पास काफी बढ़िया बढ़िया वाले अटैक्स है और डैमेज जो है वो तो भाई एक नंबर ही जा रहा है। क्या इसको झटके लगेंगे, क्या आर यू झटका प्रूफ, क्या झटका, वो अल्फा मेगलाडॉन आ गई यार मेरे लिए तो, अरे मेगलाडॉन की बच्ची अल्फा मेगलाडॉन आई है गई जहाँ पे भाई, अल्फा मेगलाडॉन मैडम जी आई है हमसे पंगा लेने के लिए, ठीक है अल्फा मेगलाडॉन और मेगलाडॉन दोनों की बैंड बजाता हूँ, अल्फा को स्टन कर सकता हूँ क्या, अल्फा भी स्टन हो गई रे, अल्फा भी स्टन हो गई रे, मेरा दम घुट रहा है, मुझे जल्दी से अल्फा को मार के यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना दम घुटने के कारण मेरी मौत हो जाए। ओ शिट, कैन यू प्लीज, कैन यू नहीं, नो नहीं ना कोई लेवर हो भाई, मेरी पेटी बन गई भाई, समंदर के गहरा भी पेटी बन गई यार, साइंटिस्ट को मछली देनी थी मेरे को, अरे बाप रे भाई, और कर लो भाई, और जेलीफिश के सामने जाके चुम्मा चाटी कर लो भाई, यही तो होगा जेलीफिश से अगर चुम्मा चाटी करोगे तो। अरे यार मुझे राफ्ट बनानी पड़ेगी, राफ्ट बनी हुई तो है, मुझे उसको लेके भाई वहां तक पहुंचना पड़ेगा भाई, रुको या मुझे उसको फॉलो करा के, वो वैसे मछली भाई मेगलाडॉन को तो मार ही देगी मुझे लग रहा है, मार देगी ना गाइस, अगर नहीं मार पाए तो गया भाई मैं, रुको मैं राफ्ट के पास पूछता हूँ फटाफट से। चलो गाइस राफ्ट पे बैठ जाते हैं, मछली को मैंने, वो रही मेरी बेटी, वो रही मछली, वहां पे मछली है भाई, बट इतने गहराई में कैसे जाऊंगा मैं, अरे यार मेरा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा इतने गहराई में जाते जाते तो, और मेरी वो फिश तो भाई बची हुई होगी ना भाई, साइंटिस्ट ने मुझे भाई बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी से गाइस ये मिशन दिया था, अगर ये फेल हो गया ना तो फिर मेरी पेटी बनेगी भाई, साइंटिस्ट जो है ना गाइस वो सारा ब्लेम मुझे देगा और मुझे नौकरी से निकाला जाएगा गाइस। रुको मैं फटाफट से नीचे चला जाता हूँ और भाई अपनी, अरे अरे मेरी जान, ये तो फॉलो कर भाई, ये राफ्ट को फॉलो थी, ये फॉलो करते करते राफ्ट के पास आ गई यार। अच्छा भाई मेगलाडॉन, भाई अल्फा मेगलाडॉन तेरी वहाँ पे तेरे को जेलीफिश ने बचाया था, अभी यहाँ पे कौन बचाएगा तेरे को, यहाँ पे कौन बचाएगा, जय भद्रकाली भाई। रुको अब भी इसको दिखाता, स्टन कर करके पीछे से मारूंगा मैं इसको भाई, आई बिलीव आई कैन फ्लाई ब्रो, भाई रुक जाओ भाई, इसका जो ना गाइस हेल्थ भाई काफी तगड़ा वाला है मेगलाडॉन का भी ना, ये ले मर गई मेगलाडॉन, कल आना कल बेटा मेगलाडॉन मैडम जी, कल आना भाई, मार दिया गाइस मैंने मेगलाडॉन को, बट मैं खुद उर्री मारने से क्या लूट मिली है मुझे मेगलाडॉन को, देखना क्या असेंडेड वाली क्रॉसबो मिली है, बट मुझे नहीं चाहिए, ये कौन आ गई, अच्छा मेगलाडॉन के चेले लोग आ गए, भागो भाई इसके आगे भाई, स्टन करके मार दूंगा गाइस मैं, मुझे अपना सामान जो ना गाइस वो भी गाइस यहाँ पे लेके आ जाना है गाइस, ठीक है मैं फटाफट से समंदर की गहराई में जाता हूँ, पूरी गाइस मेरी पेटी फटाफट से ले लेता हूँ, एंड इसको फॉलो मेरे को कर ले भैया, ठीक है मेरा सामान ले लूँ मैं फटाफट, नाइस वन, अभी बैठ जाता हूँ इसके ऊपर, लेट्स गो बॉयज, अभी हम लोग भाई यहाँ पे आराम से जा सकते हैं साइंटिस्ट अंकल जी के पास भाई, ठीक है और उनको उनकी मछली जो ना गाइस वो वापस दे सकते हैं। बाकी गाइस आपको ये जो नई मछली आई है ये मछली कैसी लगी भाई, फ्लाइंग मछली गाइस, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वाली फ्लाइंग मछली पसंद आई होगी ना तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अभी तो इस फ्लाइंग मछली से हम लोग ने ना मेगलाडॉन को भी गाइस यहाँ पे मार दिया, और सच में दिखने में काफी ज्यादा ओपी है यार ये मछली, और उड़ते वक्त जो एनिमेशन इसका आता है ना गाइस ये खूबसूरत सा, जो भाई बैठने वाला एनिमेशन देखो कैसे बैठा हो एकदम खतरनाक तरीके से, ये काफी कूल लगता है। सो गाइस आपको
हमारी जो फ्लाइंग मछली है ये कैसी लगी जरूर से बताना नीचे कमेंट करके। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते सीधा के सबसे अगले एपिसोड में। अभी मैं आइस बैम में जो साइंटिस्ट की लैब है, सीक्रेट लैब, वहां पे इस मछली को लेके जा रहा हूँ और साइंटिस्ट को मैं वापस कर दूंगा गाइस ये मछली। ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं। हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है गाइस यहाँ पे एंड आपसे अलविदा लेने का भी टाइम आ चुका है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस, सी यू लेटर। जाते तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय गाइस।